हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। हम आपके लिए फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। तो भाई अभी चल रहा है दिवाली का टाइम, और अभी बहुत लोगों के साथ ये हादसा होता है कि बॉम्ब लगाते समय वो स्विच को, मतलब फ्यूज जो होता है उसको छीनना ही भूल जाते हैं, जिसके कारण वो वहीं पे फट जाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक चीज़ बनाई आपके लिए, और वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्यूज देखे होंगे जिसमें आप वो बड़ी बैटरी से चलती है, जो कि हमारे बस की नहीं होती उसको चलाना। तो चलो फिर इसी मतलब कंडीशन को देखते हुए हम लोग एक छोटी सी बैटरी से उसको चला के आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और बनाकर भी दिखाएंगे। तो चलो फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, ऐसी वीडियो इस चैनल में आती रहेंगी। तो चलो अब बनाते हैं उस चीज़ को। सिस्टम बनाने के लिए भाई आपको ये सब सब चीज़ चाहिए होगी, तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को लेना होगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक एलईडी का एलईडी को जला के देखना पड़ेगा कि जल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये जल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जल रहा है। तो इसको जो है यूज़ में लेंगे। तो चलिए गाइस, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइट को तोड़ना पड़ेगा, इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। ऊपरी वाला हिस्सा हटाने से पहले आपको ध्यान रखने पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो स्विच है वो टूटना नहीं चाहिए। ये बल्ब की तरह ही इसका भी एक फिलामेंट होता है, वो टूटना नहीं चाहिए भाई, वरना आपका नहीं होगा, वो प्रोसेस बनेगा नहीं। तो चलिए हम इसको आगे की काम करते हैं। तो उस पहले आपको एक ब्लेड चाहिए होगी गाइज, और इसको जो है इसको छील के ये येलो वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटा देते हैं इसको। अब उसके बाद चाहिए होगा आपको एक माचिस, माचिस की तीली, आप देख सकते हैं ये सही सलामत है। तो इसको यहाँ पर जो है अटैच कर देना है, आप किसी से भी अटैच कर सकते हो, ग्लू या फिर कोई भी आपके पास सामान है उसे कर सकते हो। और ये अच्छे से इसके जो बारूद पे है वो चिपकना चाहिए गाइस, तभी ये वर्क करेगा, जलेगा जब इसको शॉर्ट देगा तब। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं। फाइनली भाई हमने जो है इस चीज़ को अटैच कर दिया, इसका फिलामेंट जो है ये इस बारूद वाले पार्ट में अटैच कर दिया है अच्छे से। अब चलिए इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। पहले वायर, आपको वायर ले लेना है, फिर ऑन ऑफ सिस्टम, ये बिल्कुल ओके है इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया। तो आप भी कोई भी चीज़ ले सकते हो ऑन ऑफ के लिए, छोटा वाला भी चलेगा, लेकिन मैंने बड़े वाले को लिया है क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट का मामला है। तो चलिए फिर आगे तरफ में दिखाते हैं आपको। तो गाइस चलिए अभी सेटअप को रेडी करते हैं। 1 2 3 1। तो भाई वाह, किस तरह से काम किया भाई, इट्स वर्क वेरी वेल गाइज। अब आप इसको घर में ट्राई मत कीजिएगा, प्लीज़ घर में इसको ट्राई मत कीजिएगा, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो इसको ओनली जब रॉकेट आप लॉन्च करिएगा तभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वरना ऐसे प्रैक्टिकली आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए